देखते हैं 24 cos 4x 1 minus 8 sin square x cos square x प्रूव करना है, तो लेफ्ट को लेके चलते हैं। लेकिन cos देखो, cos का हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है, एक होता है cos 2x का cos ऑफ sin का मतलब, तो cos square x होता है minus sin square x होता है, ठीक है। एक होता है 2 cos square x minus 1 और एक होता है 1 minus 2 sin square x, ये होता है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा देखो, तो जो राइट में ले आना है वहाँ आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है 1 लिखा है, और 8 sin x cos x है, यानी sin x sin 2x का ही फार्मूला होता है, तो हम लोग इसको इस वाले फार्मूला पर तोड़ देंगे। इस पर अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कहीं पर भी तोड़ो, घुमा फिरा करके वही आएगा, तो इसी पर तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। आई थिंक यहाँ 4x है तो 2x के टर्म में आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है, तो ये हो गया 1 माइनस 2, इसको तो आप लिख सकते हो साइन 2x का पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब साइन 2x का फॉर्मूला जाएगा 2 साइन x cos x पूरे का होल स्क्वायर 1 माइनस 2, अब देखो उसको, तो ये हो जाएगा 4 sin square x और ये आ गया cos square x square है, 1 minus multiply किया तो 8 sin square x cos square x right hand side good, ठीक है। ये आ गया, इसको copy कर लिए, बस एक last problem बची, इसको बता देते हैं। 25 नंबर 25 कौन सा, देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 लास्ट प्रॉब्लम 25 cos 6x 32 cos के, देखो ये प्रूव करना है, तो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे देखते हैं, यहाँ सब cos के टर्म में दिया हुआ है और आगे माइनस 1 भी है, तो एक्स फॉर्मूला हमारे पास है cos 2a का, cos के टर्म में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos के टर्म में भाई ये फॉर्मूला होते हैं, cos के टर्म में ही होता है, फिर तो cos के टर्म में होता है लेफ्ट हैंड साइड cos 6x, तो cos के टर्म में जब आप तोड़ोगे तो 2 cos स्क्वायर एंगल क्या है, यहां पे आएगा 3x माइनस 1, ये आया। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 cos 3x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकते हो। अब देखिए cos 3a का फार्मूला जो हमारे पास है, cos 3a का फार्मूला 4 cos cube माइनस 3 cos a, यही फार्मूला है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, cos 3 तो हो जाएगा 4 cos cube x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ पढ़े माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, इसी पे इसको तोड़ देना है, फिर 2 4 का स्क्वायर 16 cos 6x हो जाएगा, इसके बाद प्लस ठीक स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, इसके बाद माइनस 24 cos 4x माइनस 4, हम अब तोड़ोगे तो यही मिलेगा, एक्सपेंस करोगे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 है, 32 cos का पावर 6x, देखो एक तो है, इस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x भी आ गया, इसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 48 cos का पावर 4x भी आ गया, माइनस 48 राइट हैंड साइड ट्रू, ठीक है ये बन गया, इसको कॉपी कर लिया, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपका खत्म कर दिया, और अब नेक्स्ट डे देखते हैं आपको क्या पढ़ाना है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से।
ठीक है, थैंक यू।